बैटरी को चेक करने के लिए डायोड रेंज पर रखते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल अगर कनेक्टर पर मुझे रेजिस्टेंस मिल रहा है, अगर एक्चुअल में वो रेजिस्टेंस मेरा सही है तो मैं उसको एकदम उसको लिख कर रख सकता हूँ, क्योंकि नेक्स्ट टाइम अगर वही सर्किट आया, अगर उससे थोड़ा ऊपर नीचे हुआ तो मैं उसमें थोड़ा सा मान सकता हूँ कि हाँ भाई ये तो लीकेज हो सकता है या ओपन या तो शॉर्ट या तो कुछ भी हो सकता है, ये हमें आने चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे सॉकेट वैल्यू में आपको दिखाता हूँ यहाँ पर। अब देखिए फिर से यहाँ पे डाउनलोडिंग चल रही है, सॉकेट वैल्यू गजब की यहाँ पे दे दी गई आईफोन एक्स में। एक एक कनेक्टर में आपको यहाँ पर वैल्यू बता दी गई है, पैड डॉट पी सी भी दिख रही होगी। तो ये आपको मतलब एक एक चीज बताती है कि कौन सा कनेक्टर कौन सी लाइन कहाँ जुड़ी हुई है। फॉर मसलन जैसे मेरे पास ये कनेक्टर आया और अगर मेरी इस पिन पे मुझे रीडिंग, तो ठीक है ये ओवर प्रोटेक्शन वोल्टेज एक आईसी है और ये भी अगर शॉर्ट हो जाती है तो हाई टेम्परेचर का इशू आ सकता है इधर, और बैटरी जो एरर आते हैं जनरली इसी पॉइंट पर आते हैं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे एलडीओ, छोटे छोटे एलडीओ यहाँ पर स्विचिंग आईसी डाली हुई है, ये आरएफआईसी है, ये आपके पीएफओआईसी है, ये नेटवर्क के छोटे छोटे फिल्टर बैंड्स हैं, कमाल की चीज है। ये रैम हो गई आपकी, ये वाईफाई आईसी का सेक्शन हो गया, ये हेडफोन जैक का कनेक्टर का सेक्शन हो गया। अभी हेडफोन जैक कनेक्टर की कमाल की बात मैं आपको एक दिखाता हूँ, इसलिए कहता वीडियो पूरा देखो मजा आ जाएगा। और सच बताया जिस चीज में मजा आता है तो ठोको ताली, तालिया ठोको मतलब लाइक है ठोको, सब्सक्राइब ठोको और जो मर्जी आए आपको आपको ठोको, आपका चैनल है आपके पास में हाथ है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे यहाँ पे सर्किट काफी कोई कमाल है। जैसे कि मैं चलो ये सर्किट के बारे में थोड़ा तो बात करना चाहता हूँ। इस सर्किट कनेक्टर में पिन जो आपको दिख रही होंगी वो है 10 पिन का कनेक्टर, कि यहाँ पे 10 पिन का कनेक्टर लगा हुआ है जिसमें से आधे से ज्यादा है ही नहीं मतलब, और जो है वो है वॉल्यूम अप वॉल्यूम डाउन और सिर्फ वॉल्यूम पावर की, और बाकी 2 ग्राउंड दे दिया है। सीरीज में आपको 1K का रजिस्टर, पहले में डायोड और ये टेस्टिंग पॉइंट और सीधा आईसी। अब कौन सी आईसी है सो भैया उसके लिए आपको थोड़ा कष्ट उठा के आना पड़ेगा। फ्लैश टूल यहाँ पे पहले है, फ्लैशिंग टूल के बारे में बताया और एमआई ऑथ अकाउंट बता रहे हैं क्योंकि ये ऑनलाइन है। अगर इसका एफआरपी भी निकालना होगा, इसका एमआई अकाउंट निकालना होगा तो आपको ऑथ अकाउंट देना पड़ेगा। अगर आपको यूएमसी का नॉलेज नहीं है तो फिर भैया यही काम करना पड़ेगा। अगर यूएमसी का नॉलेज है और आईसीओ का अच्छा नॉलेज है तो सीधा आईसीओ उठाओ, काम 2 मिनट के अंदर हो जाता है। अगर मान लीजिए आपका तीसरा नंबर का पॉइंट इसका जिसको A3 बोलेंगे हम, अगर वो खड़ गया सर तो क्या करेंगे? अगर मान लीजिए ये नीले वाले में से को खड़ गया तो क्या करेंगे? कमाल की चीज है बताते हैं। ये यूएमसी के पिन आउट है, इसमें लगा है BJ221 और इसके बाद हम जाते हैं सर, ये आपकी पावर आईसी का पिन आउट है और ये आपका सेकेंडरी एलसीडी की सप्लाई, डिस्प्ले की सप्लाई दिख रही है। और यहाँ पर आपको दिख रहा है कि इन्होंने एक डिस्प्ले में वीएसपी और वीएसएन की सप्लाई भी दी रखी है क्योंकि 2 पावर आईसी है तो ऑब्वियस है कि वो आएंगी ही आएंगी। इसलिए देखिए यहाँ पर भी आपको नोटिस होगा कि यहाँ पर +5 और -5 करके वोल्टेज आ रहा है क्योंकि 2 रजिस्टर से आ रहा है। कसम से अगर मैं आपकी जगह कुछ सीख रहा होता ना तो ऐसे 50 मिनट के वीडियो, या क्योंकि हम जब 3 घंटे की, आप मुझे अगर आप मेरे को सुन रहे हैं तो मेरी पूरी बात सुनिएगा, अगर हम 3 घंटे की मूवी देख सकते हैं तो हम आधे घंटे का वीडियो क्यों नहीं देख सकते? क्योंकि 3 घंटे की मूवी आपकी जिंदगी नहीं बनाने वाली, बढ़िया आधे घंटे का वीडियो या ऐसे कोई भी आधे घंटे का वीडियो आपकी जिंदगी जरूर बना देगा। मेरी बात हमेशा याद रखना। थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? मैं हूं देवरत्न अग्रवाल एशिया टेलीकॉम की तरफ से और यहां आपको मैं आज बहुत खास वीडियो लेके आया हूं। यहां मैं आपको बताने वाला हूं एफ फाइंडर का एक अल्टरनेट सॉल्यूशंस। अगर आप लोगों ने एफ फाइंडर नहीं खरीदा है तो आप जा सकते हैं जिन जी जाओ पर जा सकते हैं और ये बहुत अच्छा टूल है। बहुत लोगों को पता होगा पर मैं समझता हूँ कि मोबाइल रिपेयरिंग के फील्ड में अगर 100% का रेशो लिया जाए तो 70% लोग अभी भी इसके बारे में नहीं जानते हैं। मैं अपने बहुत सारे स्टूडेंट को इसके बारे में बहुत सालों से, तकरीबन एक साल से तो मैं बता रहा हूँ, हालांकि मैंने इस पर कभी वीडियो नहीं बनाया पर मैंने सोचा चलो इस पर एक वीडियो बनाई जाए क्योंकि बहुत सारे हम जब हर समय स्टूडेंट को समझाते हैं तो अच्छा है कि स्टूडेंट पहले से पता हो और हमें भी समझाने में इसमें ज़्यादा आसानी जाए। और दोस्तों ये एक बहुत अच्छा सोल्यूशंस है पर ये फ्री नहीं है, मैं आपको बता दूं। लोग बेमतलब फ्री फ्री चिल्लाते हैं क्योंकि फ्री कुछ भी नहीं होता है, ये आपको पेड है और बड़ी आपको ट्रायल वर्जन पे है। अच्छा, ट्रायल वर्जन पे कुछ भी चीज़ें मिलती है दोस्तों सब ट्रायल होती है, आपको कब निकल जाएगा ट्रायल वर्जन आपको पता भी नहीं चलेगा। सो अगर अच्छा है, बट मैं बोलता हूँ कि बहुत महंगा नहीं है, जितना एफ फाइंडर आता है बिल्कुल उतना ही है,
आपका $60 का है या फिर $50-60 का ये है। इस सबसे अच्छी बात, मैं इसमें बहुत अच्छी बात बताऊंगा, वीडियो को कंटिन्यू जरूर रखिएगा। सबसे पहले मैं बोलना चाहूंगा इस चैनल को मेरे को सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि चैनल पे मोबाइल रिपेयरिंग के बहुत सारे वीडियो डालते रहते हैं, सोल्यूशंस भी हम डालते हैं। हम ज़्यादातर लोग बोलते हैं कि सर आप अपने इंस्टीट्यूट का प्रचार डालते हैं, तो ऑब्वियस है कि इंस्टीट्यूट का ये चैनल बनाया ही इसलिए जाता है ताकि हम इंस्टीट्यूट के बारे में बता सके कि हमारे स्टूडेंट कितना सीख रहे हैं, क्या उनका आउटपुट है, ताकि अगर कोई हमारे इंस्टीट्यूट में आना चाहता है तो वो पूरा आउटपुट देखे बाकायदा। पहले पहले के जैसा बिल्कुल नहीं रहा दोस्तों, कि इंस्टीट्यूट गए, आपने 10,000 सवाल पूछे, फिर आपने बोला ठीक है आप डेमो क्लास देते हो कि नहीं देते, फिर आपने 2 दिन 3 दिन पढ़ा, उसके बाद में आपने राय बनाई। यहाँ पर राय पहले से ही बन जाती है वीडियो को देख कर पढ़ करके, हाँ भाई ये इंस्टीट्यूट ही जाना है। तो इसलिए जो लोग मेरे से कमेंट करते हैं, खैर हालांकि मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरी सोचना बिल्कुल यही है कि लोग क्या कहेंगे यही सोचोगे तो लोग क्या कि आप यही सोचेंगे कि लोग क्या कहेंगे तो फिर सोचो लोग क्या कहेंगे। क्या हमें आ जाता हूँ जिन जी जाओ पे एक अच्छा एक मोबाइल फोन कंप्यूटर मेंडल, इवन कंप्यूटर का भी इसमें डला हुआ है। मैं आपको डायरेक्ट लिंक दे रहा हूँ, आपको कुछ नहीं करना है, वीडियो के नीचे जाना है, डायरेक्ट लिंक है। और आप चाहो तो इस वेबसाइट को भी आप गूगल में खोल सकते हो, आपको करना कुछ नहीं होगा, आपको जिंग जी जाओ आपको टाइप करना होगा। देखिए मैं आपको यहाँ पे टाइप करके बताता हूँ, आपको पहले गूगल पे जाना होगा, और गूगल पे जाकर आपको एक साथ विदाउट स्पेस जिन जी और जाओ आपको लिखना होगा। अच्छा विदाउट स्पेस लिखिएगा, अगर स्पेस डालेंगे तो ये वेबसाइट शायद ना आए। सो आपने पहली वेबसाइट में सो क्लिक करना है और खुल जाएगा कि जिन जी जाओ। तो मुझे लगता नहीं है अगर मैं वीडियो में नहीं भी दूँ तो आप लोग खोल लेंगे, आई होप खोल लेंगे कि नहीं खोल लेंगे। अगर खोल लेंगे तो लाइक का बटन दबा दो फटाक से और सब्सक्राइब कर दो। चलिए ठीक है, तो अब हम बात करते हैं, आपने कुछ नहीं करना है, आपने इसको डाउनलोड कीजिए और यहाँ पे दिया इंपॉर्टेंट कि मेंटेन्स इंफॉर्मेशन इज इंस्क्रिप्टेड विल बी मिस रिपोर्टेड बाय वायरस एंटीवायरस, तो ठीक है प्लीज इग्नोर करना। तो ठीक है, तो ये एक तरह की वार्निंग है कि अगर कोई वायरस करके आपको आता है मैसेज कि भैया ये एक वायरस है इसको डाउनलोड मत करो, तो वो बोल रहा है कि उसको आप इग्नोर कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने बताया है कि इंफॉर्मेशन जो है इंक्रप्टेड है, तो बहुत अच्छी चीज़ है, काफ़ी अच्छा है यहाँ पर। और मैं जिन चीज़ों देखो आप जैसे कि नीचे देख रहे हैं डाउनलोड हो रहा है दोस्तों, तो कहीं भी अदर किसी भी साइट से डाउनलोड करने से अच्छा है आप सीधे लिखो और डाउनलोड करो, जैसे यहाँ पे वो लिख रहा है रिपेयर क्वाडी टूल करके, ये आपको यहाँ पे मिल रहा है। अच्छा इसमें बहुत सारी चीज़ मैं आपको बता दें कि जिस तरीके से आप यहाँ पे डायग्राम्स देख रहे हैं, आपको देखेंगे आईफोन का तो कमाल दिया हुआ है, थाली में रख कर दे दिया है, ट्रेसिंग का तो इतना कमाल का है, बस लोगों को परफेक्चुअल मतलब एक अच्छा नॉलेज अगर सही से वो ट्रेनिंग ले लें तो मुझे लगता है कि कोई भी आईफोन उनके पास नहीं जाएगा, बट हैंड स्किल अच्छी होनी चाहिए। आप देखेंगे यहाँ पे ओप्पो का दिख रहा होगा, आप देखेंगे यहाँ पे नोटबुक, और आप देखेंगे यहाँ पे एप्पल का, और भी इसमें हॉनर के सैमसंग के, देखिए आप सैमसंग का आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, मेजू का दिख रहा होगा, मैं उसको थोड़ा जूम करता हूँ और देखिए आपको यहाँ पर सैमसंग मेजू MI वीवो लेनवो आपको जियोनी क्या क्या नहीं दिख रहा है यार। बोर्ड व्यू देखिए इसमें PV जैसा जो आपको है कि भाई हमने एक को टिप्स किया तो दूसरे को निकल गया, तो बहुत अच्छी चीज़ है ये। आपको सिर्फ और सिर्फ अपडेट करेगा, सिखाएगा नहीं, मैं फिर भी रिपीट कर रहा हूँ, लोगों को लगता है कि दुकान पर बैठकर वो सब कुछ सीख जाएंगे और यूट्यूब के सहारे अपना बिजनेस चलाएंगे, तो ये आप लोगों की सबसे बेवकूफ़ हरकत है और सोच है। क्योंकि आप लोग जब सोचोगे ना कि मैं भविष्य में आ जाऊं और इंस्टीट्यूट ज्वाइन करूं, तब तक तो इतनी आगे निकल जाएगी टेक्नोलॉजी कि आपको पहले पीछे भी सीखना होगा आगे भी सीखना होगा, नहीं तो दोस्तों बहुत दिक्कत होती है फिर काम को करने में। सो बहुत सारी चीज़ है, डाटा सीट इसमें मिलती है, फ़ोनों का डाटा सीट जो होता है वो होता है जो भी ICOs के अंदर के पिन आउट बोलते हैं इनको डाटा सीट, आपको कनेक्टर्स डायोड वैल्यू मिलती है जो एक्चुअल में जो कनेक्टर पे कितनी रीडिंग आनी चाहिए, और कुछ इसमें आईफोन के आपको रिपेयर आपको स्टेप दिए गए हैं, मेंटेनेंस स्टेप दिए गए हैं, सीधा सीधा आपको डाल दिया, मैंने बोला रख के थाली आपको हाथ में दे दी गई है। खैर ये लेआउट होता है दोस्तों, यहाँ पर आपको नंबर्स दिख रहे होंगे, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम बोले कि U2000, तो U2000 एक यू को IC से रिप्रेजेंट किया जाता है, और U2000 का मतलब ये है कि वहाँ एक IC है। अब U2000 को ये लेआउट में अगर हमने डायग्राम में सर्च किया, हमने बताया कि हाँ भाई ये कोई एक IC है, और इस IC को जब हम सर्च करते हैं बाया U2000, तो उसके लिए हमारे पास डायग्राम्स होना जरूरी है, उसी डायग्राम को ये रिप्रेजेंट करते हैं लेआउट। ये बिल्कुल स्ट्रक्चर सेम होता है जैसा हमारा PCB का होता है। तो चलिए अब तक हमारा डाउनलोड हो चुका है। देखिए जैसे कि यहाँ पर आया कि दिस फाइल इज़ नॉट कॉमनली डाउनलोडेड,
और मे बी डेंजरस। तो मैं बोला ठीक है भाई, कुछ खतरनाक काम तो जिंदगी में करने पड़ते हैं, तो हम कीप करेंगे इसको और कीप एनीवे करेंगे। अब ये फाइल हमें मिल चुकी है, हम इसको सो इन फोल्डर करते हैं और इसको ओपन करते हैं। और दोस्तों मैं कहना चाहूँगा, अगर आपको मोबाइल रिपेयरिंग ट्रेनिंग वेनिंग सीखनी है तो नीचे नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, बट अभी हमारे पास जो एडमिशन है वो रनिंग पे नहीं है, आपको 1-2 महीने के आगे बुकिंग करानी पड़ेगी। और हमने कुछ बुकिंग में, मैं आपको बता देता हूँ, बहुत सारे लोगों का कन्फ्यूज़न है कि सर एक मैडम कॉल करती हैं, तो ये सारी चीज़ें, सो हमने कुछ एडवांस रखा हुआ है। वो कितना क्या कैसे वो आपको कॉल करने पे पता चलेगा, और ख़ासकर सिर्फ उसी नंबर पर ही आपको एडवांस पे करना है जिस नंबर पे आपको नीचे शो हो रहे होंगे। सिर्फ 2 ही नंबर हैं, उसके अलावा तीसरे चौथे कोई भी नंबर से आए हैं तो उनको अलविदा कह के फ़ोन रख सकते हैं। सो दोस्तों यहाँ पर ये आ चुका है, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, रिपेयर करके है, और इसको स्ट्रैक कर लेता हूँ मैं यहाँ पर हेयर, और ये यहाँ पर मेरे को मिल जाएगा। सो मुझे एक फोल्डर इसने बना लिया होगा दोस्तों, मैं देखता हूँ। सो ये देखिए, चलिए ओपन अचीव कर लेते हैं, कोई नहीं है। अच्छा देखिए, यहाँ पर कोई भी आपको डायरेक्ट पासवर्ड, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है कि पासवर्ड में आपको डाल दिया गया और आपने ज़बरदस्ती बेमतलब के पासवर्ड डाल रहे हैं, आपने सीधे इसको डबल टिक कर देना है और इसको आपको इंस्टॉल करना है। आप हमेशा याद रखिएगा, अगर फर्स्ट टाइम आप यूज़र इंस्टॉल कर रहे हैं और ये फ्री, ऑब्वियस है कि 1 महीने के लिए फ्री है, तो बट 1 महीने के बाद आप सोचेंगे कि मैं फिर से अपना कुछ अलग जीमेल आईडी बना के ऐसा कुछ करके इसको कर लूँगा, तो भाई ऐसा नहीं होगा। आपको ये एक आईडी पर, एक ये आईपी एड्रेस पे काम करता है, तो आपको आईपी एड्रेस लेके ही चलना होगा, आपको अपना पूरा सिस्टम फॉर्मेट करना होगा और उसके बाद फिर इसको डालना होगा, तो ये दोस्तों डल जाएगा। पर कब तक ऐसा फ्री वाला आइटम चलाएंगे दोस्तों, फ्री में सिर्फ खैरात मिलती है। अच्छी चीज़ सीखिए, बढ़िया सीखिए, मैं बोलता हूँ बिजनेस में पैसा लगाना बहुत ज़रूरी है। बिजनेस एक पौधे की तरह होता है, नहीं पानी दोगे तो पौधा आपका सूख जाएगा। सो अब मैं इसको इंस्टॉल करता हूँ यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर बोल रहा है क्रिएट प्रोग्राम मेन्यू, मेन्यू में जाना चाहिए या क्या, तो मैं बोलता हूँ मेन्यू में मुझे नहीं भेजना है, क्रिएट इन डेस्कटॉप में मुझे डालना है, तो मैं इसको करके मैं यहाँ पे इंस्टॉल कर देता हूँ। अब मैं भी देखता हूँ, अगर मैंने इस सिस्टम में पहले इंस्टॉल किया होगा तो फिर ये मेरे में नहीं चलेगा, तो मैं इसको फिनिश करता हूँ और रनिंग सॉफ्टवेयर में टिक है, तो मतलब ये उसके बाद सीधा यहाँ पर चालू हो जाना चाहिए। सो देखिए ये आ गया है जिन जी जाओ, ये इस तरह का एक सॉफ्टवेयर है जिसमें आपको ऐसा गोल और कुछ ऐसे 4 तरीके आपको लाइनिंग दिखाई दे रही होगी। देखिए अब ये यहाँ पर ये चल चुका है जिन जी जाओ, और सबसे पहले मुझे यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस डालना है और यहाँ डालना है अपना पासवर्ड। तो आप क्या कर लें, तो आप पहले रजिस्टर करेंगे सबसे पहले, और रजिस्टर पे टिक जैसे ही करेंगे तो एक वेबसाइट ओपन होगी जहाँ पर आपको अपना कुछ आपने इन्फॉर्मेशन देनी होगी और एक अपना एक ईमेल एड्रेस देना होगा। आपका वो ईमेल एड्रेस एक बार रजिस्टर हो जाने के बाद में दूसरी बार आप उस पर दूसरा नहीं रजिस्टर कर सकते, ये बात ध्यान रखिएगा। सो मैं यहाँ पर एक ईमेल एड्रेस देता हूँ और साथ में देखिए ये मेरा रजिस्टर हो चुका है। अब मुझे इसको कर देना है बंद और मुझे सिर्फ अपना पासवर्ड याद रखना है और रखना है अपना ईमेल एड्रेस। सो मैं अकाउंट नंबर, ईमेल एड्रेस दोनों डाल सकता हूँ, तो मैं ईमेल एड्रेस अपना डाल देता हूँ। और ये लीजिए, इसको कर देता हूँ मैं सेव ताकि मुझे याद रहे। और इसके बाद ये देखिए, ये अच्छा दोस्तों ध्यान रखना है ये ऑनलाइन चलता है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, तो ये आपने ऑनलाइन चलाना है। देखिए ये आपका ओपन हो चुका है। तो दोस्तों ये ओपन हो चुका है, चलिए ओपन होने के पहले पर मैं आपको समझा देता हूँ, क्योंकि अभी तक YouTube में ऐसा वीडियो नहीं है जैसा कि मैंने अभी डाला है। YouTube में आपको भैया बिल्कुल साइलेंट वीडियो मिलेंगे, या तो किसी दूसरी इंग्लिश या चाइनीज भाषा में मिलेंगे। सो मेरे ख्याल से ये पूरे एशिया में ये पहला वीडियो होगा, या पूरे वर्ल्ड में ये पहला वीडियो होगा जिसमें इस टूल को हिंदी में
बकायदा स्टेप टू स्टेप समझाया गया है। सो इसलिए एक थम्स तो बनता है, एक लाइक बनता है, और शेयर कर दीजिए, जितना शेयर करेंगे अपने दोस्तों को। तो चलिए दोस्तों, ये ओपन हो चुका है, अब बात करते हैं इसका इंटरफेस की। जैसे कि मैंने बताया, ये पूरे एशिया या पूरे अभी तक वर्ल्ड में पहला एक वीडियो जो हिंदी में इसको प्रॉपरली स्टेप टू स्टेप समझा रहा है, वो है देवेंद्र अग्रवाल एशिया टेलीकॉम। इसलिए सब्सक्राइब और लाइक जरूर बनता है। सो यहाँ पे आप पहले देख रहे होंगे वेलकम स्क्रीन है, यहाँ पे लिखा हुआ है जिन जी जाओ, और आप देख रहे होंगे 3 मंथ कुछ पैसे वैसे के बारे में बात कर रहा है, वीआईपी अकाउंट, वीआईपी ड्यू अकाउंट बता रहा है, पासवर्ड को रिसेट, मॉडिफाई ईमेल और लॉग आउट कर सकते हैं। 2019-11 तक यह आपका, मतलब यहाँ पे इन्होंने टाइमिंग बता दिया है, ड्यू टू तक, यहाँ तक ड्यू टू है, और ये आपको कुछ कैर रिवॉर्ड करके और फलाना फलाना ये सब बताया। चलिए देखिए, 3 मंथ अगर ये आप परचेस करते हैं $20 में, $20 जो कि बहुत कम होते हैं दोस्तों, मैं सच बताऊँ आपका ये टूल, अगर मैं आपके एक अच्छे टूल की बात करूँ ना, तो देखो जैसे एक यही टूल देखो, अगर आप इसको बिल्कुल ओरिजिनल क्वालिटी में लोगे ना, तो ये आपका 800-1000 रुपये तक आएगा, उसने में तो आपके $20 सफिशियंट यार। $1 की अमाउंट होता है ₹70, हम फॉर एग्जांपल जो भी चल रहा होगा, और $10 700 अपने 3 महीने तक इसमें जो आपने निचोड़ लेना है ना, कमाल की चीज़ है। तो $50 में 1 साल, और अगर मेरे लिए ज़्यादा चाहिए है कि 3 दोस्त मिल जाओ, तैयार हो जाओ, तो भाई आप लोग एक काम करो, 3 दोस्त मिल जाओ, कालू, बिमलू और समलू। तो कालू, बिमलू और समलू को बोलो भाई एक एक करके, भाई अपन लोग मिलाते हैं कुछ जुगाड़ और करते हैं $60 को एक दूसरे के साथ मिलाते हैं। $60 मान के चलो 4000, 4500 या 4000 के अंदर ही है। अगर आप लोग 1300-1300 रुपये भी मिलाओगे तो इतने रुपए हो जाएंगे, और आपके 1 साल में ये 3 अकाउंट आप अलग अलग पीसी में चला सकते हैं। यहाँ क्वेश्चन मैंने कहा, बहुत सारे लोग पूछेंगे कि सर हम 4 पीसी में चलाना चाहें तो नहीं चला सकते, सिर्फ एक ही पीसीबी, एक हार्डवेयर पीसीबी आईडी मिलती है। और एक और सवाल, अगर आप उसको, हाँ ये चीज़ है कि अगर आप उसको फॉर्मेट कर देते हो, आईपी एड्रेस चला जाता है, तो वो आपका वहाँ स्पार्ट हो सकता है। ये कंफर्मेशन आपको ईमेल करके एक बार पूछ लेनी है, क्योंकि जनरली जो ऐसे अकाउंट होते हैं वो आईपी एड्रेस पर चलते हैं, क्योंकि ये 3 अकाउंट आपको दे रहे हैं, तो 3 आईपी एड्रेस को आपको ये सेव करके चलेंगे। चलिए, सो आप यहाँ समझ गए होंगे, या तो 3 मंथ $20, या तो 1 साल $50, या तो 3 वही बिमलू कमलू का सालू जो भी है, और 3 अकाउंट या $60। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे कुछ आईफोन की। अब सपोज जैसे मेरे पास आईफोन एक्स आता है और उसमें वाईफाई का एरर है, मैं आईफोन एक्स इंटेल का आया, मतलब प्रोसेसर, तो आप देख रहे होंगे ब्लॉक डायग्राम, डायोड वैल्यू, रिपेयर और क्या क्या नहीं पता नहीं। तो यहाँ पर ये देते केस स्टडी, केस स्टडी से पहले इन्होंने दे दिया आपको पूरा सर्किट आईफोन एक्स में वाईफाई का उठाकर, उसके साथ में आपको यहाँ पर दे दिया है सिम का वलाना रिगाना, चार्जर या जो जो आपको लग रहा है, फेस आईडी, कैमरा का कंपास हो रहा है, बूट हो रहा है, बूट नहीं हो रहा है अगर फ़ोन आपका बूटिंग प्रोसेस में, आपका स्पीकर आपका खराब है, वाइड कैमरा, अगर वाइड कैमरा काम नहीं कर रहा, टच काम नहीं कर रहा, टैली कैमरा जो उसमें टेलीस्कोप कैमरा जो दूर पर ले जाता है वो काम नहीं कर रहा है, बहुत सारी चीज़ें मैं करता हूँ वाईफाई एक्स या कुछ भी, जैसे कि यहाँ पर एक चीज़ मैं यूज़ कर लेता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं टच को यूज़ करता हूँ। अब जैसे मैंने आईफोन एक्स टच को टिक किया, तो आप देखेंगे कि नीचे डाउनलोडिंग बार चल रहा होगा, इधर नीचे साइड में फीडबैक के नीचे अगर आप थोड़ा अच्छे से देखेंगे साइड में चल रहा है, और ये क्या करेगा, ऑनलाइन ही उसकी डायग्राम जो भी उसका PDF होगा उसको देके आपके सामने लेके ले आया। और ऊपर आप देखेंगे यहाँ पर, जहाँ मेरा आपको ये माउस दिख रहा होगा वहाँ पे आप देखेंगे कि PDF एक ओपन हो चुका है, जहाँ पर ये टच कनेक्टर बता रहा है, और टच कनेक्टर से ये आईसियाँ जो आपको कनेक्टेड है, U1000 जो भी है आपका प्रोसेसर है, A11 बहुत अच्छा प्रोसेसर है, उसके बाद A12 और जब तो लेटेस्ट आया A13 बायोनिक। तो अगर मैं बात करता हूँ इसकी प्रोसेसर की, तो कमाल का प्रोसेसर है, और ये आईफोन एक्स में ये आपको बता रहा है कि A11 और A12 जो आपके यहाँ पे भी प्रोसेसर चल रहे हैं, और A13 जो अभी A11 में आया हुआ है। अब यहाँ पे इन्होंने बात की है कि कौन कौन से सप्लाई लाइन में इसमें इन्होंने कंपोनेंट बता दिए हैं, और यहाँ बता दिया है कि क्या कंपोनेंट पैरेलल, क्या कंपोनेंट सीरीज कनेक्शन में है, कौन सी आईसी लगी है, इवन आईसीओ में VDD मेन सप्लाई भी बताई हुई है कि भैया जो हमारी सेकेंडरी लाइन आती है या जो भी हमारा उस पर इनपुट वोल्टेज आता है वो कितना होता है, और वो किस से आ रहा है, कौन सा भाग CPU से कनेक्टेड है, कौन सा भाग यहाँ पे पावर IC से कनेक्टेड है, कौन सा भाग में एक टच IC किस तरीके से काम कर रही है, सारी चीज़ कमाल की दी हुई है। और दोस्तों कसम से इसको देखने में ऐसा लगता है कि काश ये एंड्रॉयड में मिल जाता तो मतलब काम ही जहर टाइप का हो जाता है। अब देख रहे हैं यहाँ पे B1, A1, H1 सब में सप्लाइयाँ आया, तो देख रही है IC, सपोज इस IC को निकाला आपने और आपको यहाँ पर G4 पे अगर आपको कुछ भी रीडिंग नहीं मिलती है, तो उसमें आप ये लगे कॉइल को आप
ले सकते हैं। अच्छा नोटिस कर रहे होंगे कि ये लाइन वीडीडी मेन पे जा रही है, मतलब यहाँ पर हमें वोल्टेज डालकर हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं, बाईपास भी कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं इसमें, कमाल का सर्किट है। इसके बाद में मैं आपको कुछ डायोड वैल्यू बताता हूँ वर्ड क्या होता है। देखो दोस्तों डायोड वैल्यू एक्चुअली क्या होते हैं, हमें बहुत सारे लोगों को ना मल्टीमीटर का है ना ऊपरी ऊपरी नॉलेज होता है। जैसे मल्टीमीटर में अगर हम बात करें कि सर वो बीप मोड होता है, जैसे हम कंटिन्यूटी मोड बोलते हैं उसको डायोड मोड बोलते हैं, तो लोगों को डायोड और बीप मोड में अभी भी थोड़ा डिफरेंसेस नहीं पता होता। तो मैं आपको बता दूं, जब भी हम किसी आईसी का रेजिस्टेंस चेक करते हैं तो वो एक्चुअली डायोड वैल्यू होती है एक तरह से, और हम उसी वैल्यू को चेक करने के लिए डायोड रेंज पर रखते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल अगर कनेक्टर पर मुझे रेजिस्टेंस मिल रहा है, अगर एक्चुअल में वो रेजिस्टेंस मेरा सही है तो मैं उसको एकदम उसको लिख कर रख सकता हूँ, क्योंकि नेक्स्ट टाइम अगर वही सर्किट आया अगर उससे थोड़ा ऊपर नीचे हुआ तो मैं उसमें थोड़ा सा मान सकता हूँ कि हाँ भाई ये तो लीकेज हो सकता है या ओपन या तो शॉर्ट या तो कुछ भी हो सकता है, ये हमें आने चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे सॉकेट वैल्यू में आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर अब देखिए फिर से यहाँ पे डाउनलोडिंग चल रही है, सॉकेट वैल्यू गजब की यहाँ पे दे दी गई आईफोन एक्स में, एक एक कनेक्टर में आपको यहाँ पर वैल्यू बता दी गई है कि किधर आपको 0 आएगा, किधर 361 आए, 0 का मतलब ग्राउंड होगा और 361 होगा, यहाँ पर जिधर OL लिखा होता है दोस्तों उसका मतलब ओपन होता है। तो सारी चीज यहाँ पे जैसे यहाँ पे OL लिखा हुआ डेट मीन ये NC, NC मतलब डेट मीन ओपन, और उसके बाद में कोई तीन ही चीज होती है प्लस माइनस एंड ग्राउंड। तो आप देखेंगे कमाल की चीज है, मतलब एंड्रॉइड आईफोन में तो इतना आसान होता है बट आईफोन में हमें स्किल चाहिए हाथों का, बट ये समझना भी बहुत जरूरी है बेसिक। और मैं बता दूं जो भी बच्चे बिना एंड्रॉइड सीखे हुए, जो भी बच्चे बिना कीपैड एंड्रॉइड या कुछ भी यार आपको आता नहीं है, आपने कभी काम किया नहीं, थोड़ा ऊपरी आप काम कर रहे हो और आप सीधे आईफोन सीखने जाते हो तो बेवकूफ हो यार आप लोग। और मैंने ऐसे बहुत से केस देखे हैं जो आईफोन सीख कर आते हैं और बोलते हैं कि सर हम नारा तो इतना पैसा चला गया हमारा, आईफोन तो हम सीखे ही नहीं सीखे, ऊपर से एंड्रॉयड भी नहीं आता, अब करें क्या। तो बाद में फिर आते हैं और तो सोच के जाइए, देखिए मैं बोलता हूँ PhD है यार ये आईफोन, तो अभी PhD करने से पहले आपने नॉर्मल कॉलेज में तो एंटर हो जाओ, स्कूल तो चले जाओ, अभी बस यही है हम। और दोस्तों बहुत सारे लोग बोलते हैं सर मुझे 8-10 साल का एक्सपीरियंस है, बेसिकली उनका एक्सपीरियंस कुछ नहीं होता है, वो सिर्फ चार्जिंग कनेक्टर वनेक्टर बदल के आते हैं और उनको लगता है फोल्डर वोल्डर चेंज करने से एक आध जम्पर मारने के एक्सपीरियंस बोलते हैं। दोस्तों एक्सपीरियंस होता है बोर्ड पर काम कर एक सही नॉलेज के साथ, ठीक है। एक तीसरा करते हैं रिपेयर केस में, तो यहाँ पर रिपेयर केस दिए इनकेस इन कॉल कम में यहाँ पर बताया गया है रिपेयर केस में। और अगर मैं इसको बंद करता हूँ तो एक में क्योंकि यहाँ पर ये एक ट्रायल वर्जन है, ज़्यादा हम इसको अगर टैब ओपन करेंगे तो ये बंद हो जाता है। चलिए ठीक है, अब मैं इसके आगे बताऊँ एक कमाल की चीज़ है। जैसे यहाँ पर एक आपको एक आईफोन एक्स इंटेल pad.pc भी दिख रही होगी, तो ये आपको मतलब एक एक चीज बताती है कि कौन सा कनेक्टर कौन सी लाइन कहाँ जुड़ी हुई है। फॉर मसलन जैसे मेरे पास ये कनेक्टर आया और अगर मेरी इस पिन पर मुझे रीडिंग नहीं मिलती है तो मुझे इस कंपोनेंट पर चेक करना है, और उसके बाद फिर मुझे नहीं मिलती है क्योंकि इसमें दो लेयर्स होती हैं, तो मुझे चेक करना है कि मुझे कौन सी लेयर्स में मुझे जाना चाहिए। तो यहाँ पे जैसे एक ये दिख रहा है कि सीरीज कनेक्शन है, तो उसके बाद में एक लेयर यहाँ मिल रही है जो कि यहाँ पे जा रही है, और वो लेयर फिर यहाँ से आप देख रहे होंगे इस बोर्ड में आ रही है जो कि इधर आ रही है, और इधर से ये भी देखना है ये उखड़ना नहीं चाहिए, अगर ये उखड़ गया तो आप यहाँ से लेकर जम्पर मारना पड़ेगा, अगर ये पूरा उखड़ गया तो आपको काम करना पड़ेगा CPU में, जो कि आसान है बट उन लोगों के लिए नहीं है जिनने नहीं किया, बाकी है क्योंकि यहाँ पर अगर हम बात करें यहाँ CPU पे काम करना, दोस्तों मेरे को लगता है स्वैपिंग करना आईफोन में आसान होता है बट मेहनत करो तो सभी आसान लगता है। खैर मैं यही कहना चाहूँगा मेहनत पे तो सभी आसान है, और फिर तो आप देखेंगे जो सीख जाते हैं वो इंस्टीट्यूट भी डाल लेते हैं, तो मेहनत करो और आसान करो और क्या है। सो बहुत सारी चीज़ है इंटेल आईफोन, तो यहाँ पर डायग्राम सबको पूरे देखने को मिलेंगे, कमाल की चीज़ है। आई होप कि आपको ये समझ में, जैसे कि यहाँ पर लिखा भी है AP2 नीचे अपने पूरी सप्लाई का नाम लिखा हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर खुल गया है इसका पूरा की पूरा डायग्राम, जिसमें आप जैसे कि नॉर्मल आप 5S SS और इन सबसे आप देखते थे, अब एक ही सप्लाई। अगर आपको ये पढ़ना नहीं आता है तो आप ज्वाइन कीजिए क्लास, मेरे स्टूडेंट तो इसको देखकर ही बता देंगे कि कहाँ पर कौन सा कनेक्टर क्या, अगर उस कनेक्टर की सप्लाई ढूंढनी है तो कैसे ढूंढें और किधर क्या कॉम्पोनेंट है, और वही स्टूडेंट जो मेहनत कर रहे होंगे, क्योंकि दो तरह के स्टूडेंट होते हैं हर जगह, एक मेहनत करने वाले और एक ढैचू ढैचू, तो मेहनत करने वाले स्टूडेंट ही, जितने भी मेरे स्टूडेंट है जो मेहनत कर रहे होंगे वही बता पाएंगे। देखो दुनिया में दोस्तों
किसी ने भी, अगर मैं बोलता हूँ किसी ने भी, कोई खुदा टीचर कोई खुदा नहीं होता दोस्तों, कि आपके ऊपर वो हाथ रख दे और चमत्कार हो जाए। आपको मेहनत तो उसके बाद भी करनी है। अब जैसे आप यहाँ आ जाएँ तो आपने हुबाबे में देखना है कितने सारे मोबाइल यहाँ दिए हुए हैं। फिर अगर आप यहाँ आ जाएँ ओप्पो में, आप देखिए कितने सारे मोबाइल दिए हैं। फिर अगर आप यहाँ आ जाएँ सैमसंग में, देखिए सीरीज दी हुई है भाई, सीरीज, मजाक है क्या? तो सीरीज है। आप मेजू में देखिए यहाँ पर कितने हैं, एमआई में देखिए यहाँ पर, गजब एमआई में तो इन्होंने तो पूरे ही दे दिए हैं। व्यू में देखिए आपको कितने मिलेंगे। तो दोस्तों अब यहाँ कमेंट मत कीजिएगा कि सर ये हमको कैसे लेना है, हमको कैसे मिलेगा सर, हमको लिंक नहीं काम कर रही है सर, ये सब लिंक, लिंक दीन है। चलो लिंक देता ही नहीं हूँ मैं, नहीं तो आधे लोग से इसलिए डिसलाइक कर देंगे, लिंक गलत है ब्रो, यू आर फेक और यू आर फलाना ढिकाना डिमका पता नहीं क्या। तो मैं लिंक नहीं देता, मैं आपको सीधा बताता हूँ, गूगल पे जाना है और लिखना है जिंग जी जाओ। और कैसे लिखना है, क्या लिखना है, तो वीडियो को शुरू से देखो यार। एक भी चीज़ स्किप करते हो ना तो ये आपकी गलती है। देखो दोस्तों कमेंट पर हम जब देखते हैं ना, किसी ने ऐसा वैसा सर ये वीडियो है ये है, तो वो क्या करते हैं, वो स्किप करते रहते हैं। उनको लगता है कि यार मुझे पूरा 10 मिनट का, आधे घंटे का, 2 घंटे का वीडियो मुझे पर 5 मिनट में समझ में आ जाए। तो दुनिया ऐसी नहीं है, दुनिया 5 मिनट में आपको नहीं समझा सकती, आप समझिए। तो उन लोगों के लिए बिल्कुल कहूंगा गॉड ब्लेस यू और आगे बढ़ो। यहाँ पर आपको लग रहा होगा आज मैं बहुत मजाक मूड में हूँ, एक्चुअल में आज मूड, और ऐसा नहीं है एक्चुअली दोस्तों, मैं मूड पे काम नहीं करता। मूड खराब हो तो और ज्यादा मजाक किया हो जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे में आपके जितने भी गम हैं सब छुप जाते हैं। और गम हर एक को होता है, मुझे लगता है दुनिया में ऐसा नहीं जिसको गम है, क्योंकि किसी ना किसी, जैसे आप ब्रेड मिल गई बटर नहीं है, बटर का गम। चलिए ठीक है, अब मैं रेडमी 6 का एक सर्किट उठा रहा हूँ यहाँ पर, रेडमी 6A जो कि ऑनलाइन है। अब देखते हैं कि एंड्रॉइड में क्या क्या दिया हुआ है। तो सबसे पहले इसको ये हटा देते हैं यहाँ पर। प्लेसमेंट ड्राइंग मतलब किस तरह से लेआउट बनाया होगा उन्होंने, लेआउट बिल्कुल लेआउट उन्होंने लेआउट डाला है यहाँ पर, कमाल का लेआउट है। और ये रेडमी 6A का लेआउट, तो इसमें एक अपर लेआउट है मतलब मेन और बैक का लेआउट है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे, आपको दिख रहा होगा जो बीच में, मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जो आपको दिख रहा होगा ये है एप्लीकेशन प्रोसेसर, ये UMC, ये उसका मीडियाटेक का पावर IC है। यहाँ पर लगी हुई है उसकी एक चार्जिंग IC छोटी सी, जो कि एक आपकी वो IC है जिसको मैं बोल सकता हूँ कि एक ESD IC, यहाँ पर रिंगर IC लगी है, और भी छोटी छोटी IC लगी हैं। ये 2 कैमरे कनेक्टर लगे हुए हैं, एक सेंसर लगा हुआ है, एक ये सिम का एक छोटा सा आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। और दोस्तों यहाँ पर आपको, अगर मैं बैक की बात करूँ तो यहाँ पर आपको सेकेंडरी पावर IC लगी है, जो कि इसमें लाइट का सेक्शन और फलाना और बहुत सारे चार्जिंग सेक्शन इसमें जाते हैं। ये आपका यहाँ पर इसका मेन नेटवर्क सेक्शन है, IF IC, RF IC है, एक इसका PFO IC लगा हुआ है। तो और बाकी ये पूरा नेटवर्क सेक्शन है, तो यहाँ पे 2 PFO लगा के दिए हैं, एक 3G और एक 4G का। और यहाँ पर एक नीचे आपको डिस्प्ले कनेक्टर दिया होगा, और उसके आगे कुछ कंपोनेंट हैं, और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा सब तरह की। तो एक मैंने वीडियो बना बनाने वाला हूँ बहुत जल्द, और इस चैनल पे डालने वाला हूँ, तो इसलिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, जिसमें मैं आपको MI Note 5 Pro PCB का टोटल ICO का डिटेलिंग देने वाला हूँ। तो अगर हम बात करते हैं डायग्राम्स में क्या क्या देखने को मिलता है, देखिए MTK का 6765 प्रोसेसर, 4G का प्रोसेसर है, 2 पावर IC जैसे कि मैंने बात की थी, एक MT6631 और एक MT6357 लगी हुई है, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी है। बहुत आसान है, बिना देखे मैं बोलता, नंबर भी नहीं देगा, देगा ना तो बता देंगे, कोई भी मेरे स्टूडेंट बता देगा कि भाई कौन सी प्राइमरी है कौन सी सेकेंडरी IC है। और ये इसके डायग्राम्स हैं काफ़ी कमाल के हैं, इसको पढ़ना आना चाहिए दोस्तों, मैं सच बताऊँ। और कोशिश करो, अगर ये पढ़ना नहीं आ रहा तो मुझे लगता है मोबाइल रिपेयरिंग में आप अपना कैरियर बेकार है आपका, और अपना टाइम पास आप कर रहे हो। यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको बैटरी कनेक्टर मिल रहा है, पूरा ICO के डिटेलिंग बता रहा है कि कहाँ कहाँ ये बैटरी कनेक्टर इसका जा रहा है। 4 पिन की बैटरी कनेक्टर की सप्लाई हम मुझे यहाँ पे दिख रही है, हालांकि आपको दिख रही होगी 6, पर उसमें से अधिकतर सब जैसे 6 और 7 को बात करेंगे तो वो तो है ही नहीं, 5 और 4 एक हो गया, 4 और 4 मतलब 2-2 की उन्होंने सप्लाई ऐसे करके डाल दी गई है, और 1 और 12 भी नहीं है, वो ज्वाइंट पॉइंट होंगे। तो एक है BSI की सप्लाई, एक BTEP की सप्लाई, और एक है BBAT की सप्लाई, उधर कंपोनेंट लगा दिए हैं डायोड और कैपेसिटर्स। और उन्होंने यहाँ पर एक बैटरी आईडी मतलब एक BSI की सप्लाई में 1K का रजिस्टर लगा दिया है, और एक बी और अगर हम बात करेंगे BTEP की सप्लाई इन्होंने डाल दी है। तो कमाल का सर्किट है ये भी, और उन्होंने सीरीज में एक हाई वैल्यू रजिस्टर डाला हुआ है। चलो ठीक है, ये ओवर प्रोटेक्शन वोल्टेज एक IC है,
और ये भी अगर शॉर्ट हो जाती है तो हाई टेम्परेचर का इशू आ सकता है इधर, और बैटरी जो एरर आते हैं जनरली इसी पॉइंट पर आते हैं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे एलडीओ, छोटे छोटे एलडीओ यहाँ पर स्विचिंग आईसी डाली हुई है, ये आरएफआईसी है, ये आपके पीएफओआईसी है, ये नेटवर्क के छोटे छोटे फिल्टर बैंड्स हैं, कमाल की चीज है। ये रैम हो गई आपकी, ये वाईफाई आईसी का सेक्शन हो गया, ये हेडफोन जैक का कनेक्टर का सेक्शन हो गया। अभी हेडफोन जैक कनेक्टर की कमाल की बात मैं आपको एक दिखाता हूँ, इसलिए कहता है वीडियो पूरा देखो मजा आ जाएगा। और सच बताया जिस चीज़ में मजा आता है तो ठोको ताली, तालियाँ ठोको, मतलब लाइक है ठोको, सब्सक्राइब ठोको, और जो मर्जी आए आपको आपको ठोको, आपका चैनल है, आपके पास में हाथ है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे यहाँ पे सर्किट काफी कमाल का है, एक एल हो गया मतलब एक आपका हो गया लेफ्ट, एक ग्राउंड हो गया, एक आर मतलब राइट, एक डिडक्शन पॉइंट जैसे माइक डिडक्ट होता है, और एक हो गया माइक का पॉइंट, और इसी में ये डिडक्शन का पॉइंट के साथ मिला होगा एक एंटीना एफएम का पॉइंट, जिसके साथ में ये एंटीना का एफएम के साथ में ये कॉन्फ़िगरेट होता है। ये है सेकेंड माइक्रोफोन रियर, जिसमें हम बात करते हैं जब वीडियो कॉलिंग के टाइम पे ये हमारा ऑन होता है, और जैसे नॉइज कैंसिलेशन और भी कमाल की चीजें हैं। बहुत से लोगों को तो ये नहीं पता आज के डेट में, इवन इंस्टीट्यूट चला रहे हैं उन लोगों को भी, कि सेकेंड माइक्रोफोन किस काम का आता है। क्यों? क्योंकि रियल में बताओ ना, ये बनने आता नहीं है पर फिर भी आ सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, तो सीखना तो सभी होता है। ये है रिंगर आईसी, कमाल की 16 बॉल की रिंगर आईसी है, इनपुट आउटपुट सब कुछ बहुत कमाल का दिख रहा है। ये है डिस्प्ले एलसीडी कनेक्टर, जिसमें आपको दिख रहे होंगे आधी लाइन जो सीपीयू बजा रही है, हालांकि इसमें सभी लाइन सीपीयू बजाती है, बाकी जो लाइन पावर आईसी मेन पावर आईसी से आती है, और एक सेकेंडरी पावर आईसी जिससे इसका लाइट का कनेक्शन बना हुआ है। मेन कैमरा आपको कैमरा के एलडीओ आपको दिख रहे होंगे, दो दो एलडीओ, यहाँ पर एक एलडीओ यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर एक एवीडीडी जिसमें डीवीडीडी ये जो लाइन है ये एक आपकी मेनली सेकेंडरी लाइन है, कि आपका फ्रंट कैमरा दिख रहा होगा यहाँ पर, और वाइब्रेटर यहाँ पर दिख रहा होगा, और सिम की सप्लाई है यहाँ पर कमाल की, और एक सिम की एक छोटी सी यहाँ पे फिल्टर आईसी इन्होंने लगा दी है। हालांकि यहाँ पे मेरे को दिख रहा है और एचडी कार्ड का इन्होंने पूरा सर्किट बनाया हुआ है, काफी कमाल का है ये, और उसके साथ पूरे कॉम्पोनेंट बताया। दोस्तों सच बताओ, एक सप्लाई को समझ जाओगे ना तो सारा सप्लाई समझ जाओगे, इसलिए मैं कहता हूँ इंस्टीट्यूट ज्वाइन करो भैया, अच्छा 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 वाला, और जिंदगी भर बिजनेस करो, क्या मतलब 4 दिन की जिंदगानी वाला बिजनेस। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे इस तरह का हमारा सिम कनेक्टर लगा होता है, काफी अच्छा है, बहुत अच्छा है। डीपली में जाते जाते हम तो क्लास में डीपली में जाते, खैर अभी तो फिलहाल समझिए, ये मत समझिएगा कि सर आपने पूरा नहीं समझाया, ये नहीं समझाया, सर आप पूरा वीडियो बनाओ पूरा समझा दो पूरा ये वो, भैया ऐसा है कि कॉपी करने वाले लोग दुनिया में बहुत बैठे हैं, आप समझो ऑनलाइन में नहीं कर सकते हैं सर, आपको आना पड़ेगा, आप आइए बिल्कुल। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो हम नहीं डाल सकते, आप समझो, है ना। आप भी अपना आपकी जो टेक्निक है, जो दुकानदार जो इतना सब कमेंट लिख देते हैं बेचारा ना टाइम पास करने के लिए, वो खुद बोलोगे आपके पास अगर कोई टेक्निक है तो आप बाजू वाले को नहीं बताते हो सर, आप बोलो, आप आओ यहाँ, कॉपी करने वाले इंस्टीट्यूट बहुत है, आप समझिए प्लीज बात को, ठीक है। वॉल्यूम अप का सर्किट, वॉल्यूम डाउन पावर की का सर्किट, कमाल का सर्किट है। अब आप बोले होंगे सर कमाल क्या है इसमें, तो भाई वो जो जिसको दिख रहा होगा वही कमाल है। जैसे कि मैं चलो ये सर्किट के बारे में थोड़ा बात करना चाहता हूँ, इस सर्किट कनेक्टर में पिन जो आपको दिख रही होंगी वो है 10 पिन का कनेक्टर, यहाँ पे 10 पिन का कनेक्टर लगा हुआ है, जिसमें से आधे से ज्यादा है ही नहीं मतलब, और जो है वो है वॉल्यूम अप वॉल्यूम डाउन और सिर्फ वॉल्यूम पावर की, और बाकी 2 ग्राउंड दे दिया है। सीरीज में आपको 1K का रजिस्टर, पहले में डायोड और ये टेस्टिंग पॉइंट, और सीधा आईसी, अब कौन सी आईसी है सो भैया उसके लिए आपको थोड़ा कष्ट उठा के आना पड़ेगा। बाकी जी सेंसर आईसी लगी हुई है, आरजीबी भी एक आई, इंफ्रारेड एलईडी, एम सेंसर, जो भी आप रिमोट से टीवी ऑन करते हैं वो इसी आईसी और इसी सर्किट की वजह से ओपन करते हैं। शील्डिंग फ्रेम हो गया ये, और बस ये यहीं पे खत्म हो गया। और तीसरी चीज क्या दी हुई है, ये दिया होगा डाटा शीट हमारे इस फोन का, जिसमें इन्होंने दिया होगा कि किस तरीके से हमारे फोनों के जो आईसीया होते हैं उसके पिन आउट किस तरीके से होते हैं, ये बहुत मेन है। अभी लोगों के दिमाग में होगा कि सर ये कैसे डाउनलोड होगा, तो मेरे भाई ये ऑनलाइन है, डाउनलोड नहीं होगा। और अभी बहुत सारे लोग ऊटपटांग सवाल भी पूछ सकते हैं, सर ये कहाँ से डाउनलोड किया, सर ये किया वो किया, तो इसलिए मैं पूरा बता रहा हूँ, देख भाई वीडियो को पूरा की पूरा देख, सारे सवाल मिल जाएंगे। अभी क्या होता है ना, पेशेंट ही नहीं है, पेशेंस नहीं है तो कैसे करेंगे सर, सीखना है तो पेशेंस रखना पड़ेगा, सभी कहते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं ही अकेला कहता हूँ। सो सिक्स ए है, चाइनीज लैंग्वेज में दिया हुआ है, चाइनीज वाइनीज
तो सर ये पीसीबी बोर्ड बता दिया उन्होंने यहाँ पर, जैसे कि मैंने बताया मैं थोड़ा सा इस पीसीबी बोर्ड में आपको थोड़ा सा ज्ञान फ्री का बांट दूँ। सो यहाँ पर ये जो आईसी लगी हुई है, ये आपकी नेटवर्क की दो आईसी हैं, पीएफओ या आरएफ आईसी है। इधर आरएफ में इन्होंने क्रिस्टल नहीं दिया जो कि किसी डाली हुई है। फिर यहाँ पर इन्होंने सीपीयू सिस्टम और उसके पास में ईएमसी, उसके नीचे पावर आईसी, और यहाँ इन्होंने अपना अलग का एक सिस्टम डाला हुआ है जिसमें इन्होंने अपनी आईसीएल डाली हुई है। तो ऊपर भी इन्होंने एक सेक्शन बनाया हुआ है और यहाँ पर उन्होंने एसपी फ्लैश टूल, यहाँ पे पहले फ्लैशिंग टूल के बारे में बताया और एमआई ऑथ अकाउंट बता रहे हैं क्योंकि ये ऑनलाइन है। अगर इसका एफआरपी भी निकालना होगा, इसका एमआई अकाउंट निकालना होगा तो आपको ऑथ अकाउंट देना पड़ेगा। अगर आपको ईएमसी का नॉलेज नहीं है तो फिर भैया यही काम करना पड़ेगा। अगर ईएमसी का नॉलेज है और आईसीओ का अच्छा नॉलेज है तो सीधा आईसीओ उठाओ, काम 2 मिनट के अंदर हो जाता है। अब यहाँ पर आपको सर्किट बताया होगा, देखिए इसकी मेन पावर आईसी, सीपीयू, ईएमसी सब दिख रहा है यहाँ पर। यहाँ पर सेकेंडरी आईसी, वाईफाई, आरएफ, आपका दो पीएफओ, आपका एंटीनास, और यहाँ पर आपका माइक लगा होगा, सब सारी चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं। और कुछ कनेक्टर के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है और ये इसके बाद कमाल की सप्लाई, यही आपका सीपीयू का पिन आउट है, इसको डाटा शीट बोलते हैं, कि सीपीयू में किस तरीके से कौन से पिनों पर एनसी है, कौन से पिनों पर क्या सप्लाइयाँ हैं, यहाँ हम क्लास में बहुत अच्छे से बताएंगे आपको ये चीज़। हालांकि जो माइक्रो जंपरिंग है हम ईएमसी में सिखाते हैं अपने प्रो स्टूडेंट को, कि अगर मान लीजिए आपका तीसरा नंबर का पॉइंट इसका जिसको A3 बोलेंगे हम, अगर वो खड़ गया सर तो क्या करेंगे, अगर मान लीजिए ये नीले वाले में से को खड़ गया तो क्या करेंगे, कमाल की चीज़ें बताते हैं। ये ईएमसी के पिन आउट हैं, इसमें लगा है BJ221 और इसके बाद हम जाते हैं सर, ये आपकी पावर आईसी का पिन आउट है और ये आपका सेकेंडरी पावर आईसी का पिन आउट है। और इसके बाद यहाँ पर नीचे जाते हैं, वोल्टेज की जानकारी कमाल की दी हुई है, बस चाइनीज लैंग्वेज है, ना कॉपी कर सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर सिम का सेक्शन दिया है, बताया कि सीपीयू और किधर किधर जाता है, सारी चीज़ इन्होंने बताई है। मतलब ये तो रख के भी दे दिया इन्होंने हाथ में, ये 800 800 कमाल की चीज़ है, आप आएंगे तो बिल्कुल समझाऊंगा इसको। और इसके साथ यहाँ पर इन्होंने डाला हुआ है ये बैटरी का कनेक्टर, बता रहे हैं कि कहाँ कहाँ गया हुआ है, बीबस की लाइन कहाँ गई हुई है। तो वी चार्जिंग के आईसी के बगल में, जैसे कि मैंने बताया है कि एक ESD आईसी लगी हुई है जो कि यहाँ पर U1303 करके दिख रही है। और यहाँ पर आपको कैमरा LCD की सप्लाई, डिस्प्ले की सप्लाई दिख रही है। और यहाँ पर आपको दिख रहा है कि इन्होंने एक डिस्प्ले में VSP और VSN की सप्लाई भी दी रखी है, क्योंकि दो पावर ऐसी है तो ऑब्वियस है कि वो आएंगी ही आएंगी। इसलिए देखिए यहाँ पर भी आपको नोटिस होगा कि यहाँ पर +5 और -5 करके वोल्टेज आ रहा है, क्योंकि दो रजिस्टर से आ रहा है। और फिर इसके बाद में इन्होंने ये जो सप्लाई दी हुई है, ये सप्लाई रिसीवर ऑडियो सेक्शन की पूरी सप्लाई है। फिर इन्होंने हेडफोन की सेक्शन की सप्लाई यहाँ पर दी हुई है, नेटवर्क वाईफाई सेक्शन की सप्लाई यहाँ दी हुई है, और फिर कैमरे की सप्लाई यहाँ पर दी हुई है, सेंसर की सप्लाई यहाँ दी हुई है, और ये टच की सप्लाई है, और इधर भी ये आपको दे दी है CTP और USB की सप्लाई है, टच की सप्लाई है, और ये पेज हो गया ख़त्म। तो दोस्तों इस तरीके से आप कर सकते हैं काम, और अच्छा लगे वीडियो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, थैंक यू। और ये वो लंबा हो जाएगा, मुझे पता है लंबे वीडियो लोग नहीं देखते क्योंकि लोग बेवकूफ़ होते हैं, और मैं सॉरी मुझे माफ़ कीजिएगा अगर मैं बेवकूफ़ कह रहा हूँ, क्योंकि कसम से अगर मैं आपकी जगह कुछ सीख रहा होता ना तो ऐसे 50 मिनट के वीडियो, या क्योंकि हम जब 3 घंटे की, आप मुझे अगर आप मेरे को सुन रहे हैं तो मेरी पूरी बात सुनिएगा, अगर हम 3 घंटे की मूवी देख सकते हैं तो हम आधे घंटे का वीडियो क्यों नहीं देख सकते, क्योंकि 3 घंटे की मूवी आपकी ज़िंदगी नहीं बनाने वाली, पर ये आधे घंटे का वीडियो या ऐसे कोई भी आधे घंटे का वीडियो आपकी ज़िंदगी जरूर बना देगा। मेरी बात हमेशा याद रखना, थैंक यू वेरी मच। चलो ताली हो जाए, तो ये 2 बार में नहीं है, ये देखिए एंड्रॉइड आ चुका है जो ब्लू डिस्प्ले आ रहा था, अभी एंड्रॉइड आ चुका है, इनके लिए फिर से एक ताली हो जाए। अब यहाँ पे जो है
लाइव हमने दिखाया एक स्टूडेंट से, हमने सीपीयू एमआई 5 का सीपीयू रिवॉल्व करके दिखाया, कोई इसको हेल्प नहीं किया, कुछ नहीं किया, अपने खुद से क्या है इनले की हमारे जो सारे स्टूडेंट है वो कर सकते हैं। बढ़िया बढ़िया, क्या बात है। देखिए ये वाला भी हो गया हमारा, जो भी तुमने आईसी बिठाई थी दिखाओ दिखाओ। तो ये एक और सेट जो हमने अभी आपको बताया था कि ईएमसी बिठा रहे थे, हैंग ऑन लोगो हो गया था, इन्होंने इसको पहले प्रोग्राम किया और फिर वापस ये सेट, ये देखिए ये भी वन टाइम में चालू किया। तो एक बार इनके लिए भी ताली बजा दीजिए। चलिए देखो ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच ये वीडियो देखने के लिए। अगर आपको अच्छा लगता है, अगर आप यहाँ आना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर कॉल कीजिएगा। अभी हमारा 5 और 15 नवंबर का बैच है और बाकी सारी चीजें, अगर कॉल कर रहे हैं तो दिन में कॉल कीजिएगा 12 और 5 बजे के बीच में। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। तो अब बताइए पहले के में और आपके में क्या अंतर है? आपको बहुत फर्क है सर, जैसे कि हम जो बात करते हैं जस्ट जैसे अपन बात करते हैं, लेकिन यहाँ के यहाँ से जैसे अपन अपने शॉप जाते हैं तो बोलचाल की भाषा में बहुत फर्क है। अपन टेक्निकली बात करते हैं, बिल्कुल टेक्निकली सिग्नल अपन जैसे किसी को पूछे तो वो नहीं मालूम है, लेकिन यहाँ के आपको पता चले ईएन सिग्नल क्या होता है, प्राइमरी लाइन क्या होती है, सेकेंडरी लाइन क्या होती है, शॉर्टिंग को कैसे ट्रेस किया जाता है, कोई लाइन उखड़ गई उसको कैसे रिपेयर किया जाता है, पूरी बेसिक से लेकर हाई लेवल तक का जो भी नॉलेज था वो मुझे हार्डवेयर में मिल चुका था। मुझे हाथ जमाने के लिए एमएमसी और प्रोग्रामिंग करना था, इसलिए मैंने एमएमसी के लिए यही चुना। यहाँ अगर हार्डवेयर इतना अच्छा है तो एमएमसी भी बहुत अच्छा होगा। तो आप मुझे बताइए कि 9 दिनों में आपका 100 एक्सपीरियंस, आपने क्या क्या यहाँ पे सीखा और क्या क्या आप सोच के आते हैं और क्या आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा मिला? मैंने यहाँ पे प्रोग्रामिंग सीख ली पूरी प्रोग्रामिंग, और नया मोबाइल रिलेटेड मोबाइल, पुराना मोबाइल, डेड बुट रिपोर्ट, हेल्थ बेड रिपोर्ट, जो भी एरर आते हैं एमएमसी में वो सारे कंप्लीट हो गए। उसके बाद अब आज की कंडीशन में मार्केट में जितने भी नए मोबाइल चल रहे हैं उनको एमएमसी निकाल के भी अनलॉकिंग कर सकते हैं, एफआरपी एमआई अकाउंट निकाल के भी कर सकते हैं और आईएसपी पिन आउट द्वारा भी कर सकते हैं बिना डेड रिक्स के। जेटेक और यूएफआई दोनों से कर सकते हैं। तो दोनों को बहुत किए भी हैं सर, किए भी हैं। A3S किया है, 6A किया है। तो कैसा पैसे ऐसे कैसे निकालते हैं और सेफली उसको कैसे करते हैं, अगर कोई एमएमसी का पिन उखड़ गया, मैंने जो डेटा का कोई पिन ऐसा निकल गया, उसको माइक्रो जंपिंग कैसे करते हैं और उसको प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं, और प्रोग्राम में बहुत सारा चीज़ है, इसमें बहुत सारा अनलॉकिंग कर सकते हैं, टेस्ट पॉइंट से अगर आईसी डेड हो गया उसको टेस्ट पॉइंट से उसको कैसे हम जिंदा कर सकते हैं। हमारे को यहाँ पर मिली जब हम यहाँ आए थे हार्डवेयर के लिए, तो उस टाइम से पहले ही हम आपकी वीडियो देख चुके थे, उसी के द्वारा हम यहाँ पर आए। जब आपने हमारे को कराया एक एक चीज़, हमारे को कुछ भी नहीं था, हम 6-7 सालों से काम कर रहे थे, पर जब हम यहाँ आए थे हमारे को लगा कि हम कुछ भी नहीं जानते, हमारे कुछ भी नहीं आते, तो यहाँ सीखे हमारे को बहुत अच्छा लगा। जो हमारे को आउटपुट चाहिए था सर वो हमारे को मिला, तो हमने सोचा कि नहीं दोबारा हम ये एमएमसी करने जाएंगे तो हम इधर ही जाएंगे। और जो हम यहाँ पर आके देखा सर, हमारे को आईसी रिवॉल्विंग वगैरह जो एमएमसी है सब कुछ हम यहाँ पर, एक बार ताली बजा दो इन्होंने। परफॉर्म करना बहुत एक बड़ी बात होती है, कैसा लगा आपको यहाँ? तो भी मेरे को 6-7 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप भी यहाँ पे आके ऐसा लगा कि वो सारा 6 साल का एक्सपीरियंस जीरो है। तो मतलब वही सारी चीज आप जब आपने यहाँ पे सीखी, तो आप अगर यही चीज 6 साल पहले सीख लेते हो तो क्या होता? तो बहुत कुछ हो जाता सर यहाँ पर, मतलब कुछ अलग लेवल में बैठे रहते थे, अलग लेवल में बैठे रहते हैं। कि आप लंदन से यहाँ कैसे डायरेक्ट इंडिया में, वो भी जबलपुर में, बताइए। मेरे को वहाँ पे कोई इतना 1 महीने में कोई मिलना है, मेरे को 1.5 महीने का छुट्टी है, तो ये वही सब आप बाबा चले जाएंगे, चले जाएंगे, तो फिर मेरे को 1 महीने के अंदर आपको ही नहीं सिखाने वाला है, तो यहाँ एशिया टेलीकॉम सिखाना है। मतलब ऐसा तो नहीं कि हम आपको पैसे दे रहे हो? नहीं सर, पैसे वाली बात नहीं है, मेरी भी दुकानदारी होगी सर, 10 साल हो गए मेरे को भी। अब जब कहीं मेरे पास कुछ भी नहीं आता था बनाना, लाइट सेक्शन, चार्जिंग सेक्शन, मैं देखते ही रहता था, वैसे ही अपना काम दूसरे मोबाइल वालों के पास लेके जाता था काम कराने के लिए, वहाँ पे भी टाइम लगता था। आप दूसरे की दुकान पे टाइम लगाने के अच्छे आप यहाँ भी आके टाइम 1 महीना आप लगाओगे तो आप अपनी लाइफ में कामयाब हो जाओ। सर जैसा सोचता था उससे भी बढ़कर मिला यहाँ पर आने पर, अच्छा अच्छा सिखाया गया यहाँ पर, जो वीडियो देखते थे उससे भी अच्छा सिखाया गया है। तो ऐसा तो नहीं कि आपने जो रिव्यू देखा वो फेक हो? नहीं नहीं, 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 ये तो नहीं। दोस्तों मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता क्या मचा दे। तो इंडिया नंबर इंस्टीट्यूट कौन है? थैंक यू वेरी मच। बच्चों लोग से आप जब सवाल करते थे और जब वो बोलते थे तो ऐसा फील होता था कि वो दिल से बोल रहे हैं, ना कि फेक। वो ऐसा हो जाता है सर कि बच्चे लोग को देख के लग जाता है कि हाँ ये जेन्युइन है, जो भी लोग आउटपुट है जो भी बोल रहे हो वो दिल से, तो वो सर टच हुआ सर।
मतलब कि सीधी सी बात है, एक छोटी सी बात कहूंगा कि सर पीसीबी जो होती है ना, हमारे मदरबोर्ड जो होता है मोबाइल का, उसको देखने का नजरिया चेंज है। हाँ बिल्कुल सीरियसली, इसको अब वो चीजें नहीं रही कि मतलब कि ऐसे बाय लक चल गया तो चल गया ना, वो चीज नहीं है। अब कंफर्म हम काम कर सकते हैं और जो फॉल्ट आएगा पर्टिकुलर सेक्शन पे वर्क कर सकते हैं। बिल्कुल पर्टिकुलर सेक्शन पे है। पहले तो ऐसे मतलब कि सेक्शन कोई सेक्शन में प्रॉब्लम है और ढूंढ के नहीं रहे हैं, सही बात पता नहीं चलता। मतलब हमारे पास कोई डेड मोबाइल है तो हम यही सोचते थे कि क्या करें, कहां से शुरू करें, तरीका नहीं पता सर, वे नहीं पता था। अब रास्ता पता चल गया कि प्रॉपर वे क्या है। अभी किसी ने भी मतलब कि अगर अपना सॉरी मिरेकल वगैरह में जितने भी क्रेडिट चाहिए या उसको अपडेशन करानी है वो मेरे से भी करवा सकता है, और हमें तो सर्वर भी मिल गया। तो ऐसा भी हो रहा था, फेसबुक भी आ रहा था जो तरकीब बना रहा था, अच्छा मोबाइल बना के लिए वो टेक्नीशियन लोग, तो उनको नए रिक्वेस्ट भेजते थे कि यार कुछ तो हमको भी सपोर्ट कर दे, तो ऐसा लगता है हम सपोर्ट करेंगे उनको। आपने इवन नेपाल के स्टूडेंट के रिव्यू देखे होंगे, तो मैं यहाँ पे गए तो दो तीन स्टूडेंट थे, उनसे बात भी किया मैंने, कैसा है क्या है, नॉलेज लिया मैंने। हाँ वो बोलते थे अच्छा है, हाँ जाओ तो सब कुछ बना मिल गया। अच्छा तो लगता था एक हिसाब से, हाँ वीडियो देख के नॉलेज दे। इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन है? पहले के और अब के में कितना अंतर है? बहुत फर्क है सर, बहुत फर्क है। अभी डेट सेट कौन सा था तो सर रिपेयर करो, तो रिपेयर कर सकते हैं बिल्कुल, वो आ गया कॉन्फिडेंस, रिपेयर कर सकते हैं बिल्कुल, वो आ गया कॉन्फिडेंस। सो इसमें और ये भी है कि बिना कोई पैड निकाले, बिना कुछ किए हम उसको निकाल के आईसी को रिवॉल्व करके चेंज करके भी कर सकते हैं, फॉल्ट फाइंडिंग भी कर सकते हैं। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। क्या कर रहे हैं अभी आप? सर इसका ईएमएमसी और सीपीयू निकाल करके दोबारा लगाया और मेरे को अच्छा लगा कि आया पर रिजल्ट मिल रहा है लोगों का, हर फीडबैक वीडियो में फॉलो करता था, हर चीज में देखता था। उसके बाद सर मैं यहाँ पर आया, मेरे को पता लगा जो इंस्टीट्यूट 6 महीने 7 महीने साल में सीखा पाते वो यहाँ 2 दिन की डेमो क्लास में मैंने सीख लिया। चैनल फॉलो कर रहे मतलब हम बोले सर हमें पैसे नहीं दिए हैं, बोले मेरा फिर बोल रहा है मतलब हाँ, क्योंकि हम भी बहुत ज्यादा अटक चुके हैं, मतलब सभी भी बोलते हाँ हमें बोलना है क्या इंडियन के लिए बोलना, नहीं जो हम बोल रहे हैं हम खुद का बोल रहे, कोई हमें प्रेशर नहीं है कि नहीं तुम्हें बोलना नहीं है, बोलना नहीं बोलेंगे तो नहीं बोलेंगे, बोलेंगे मतलब हमें ऐसा फील हुआ, हमें लगा हमको भी काम कर सकते हैं। तो मैंने फिर सोचा कि कोई अच्छा रहा है उसको सुना जाए, तो मैंने फिर रेडियो नेपाल यहाँ पे आया, उसके बाद टेलीकॉम को सुना। तो आप सेटिस्फाइड हैं? सर 100% सर्टिफाइड है, अब यहाँ से जाकर सर मैंने बिल्कुल काम कर सकता हूँ और आईफोन फॉलो कर सकता हूँ सर। अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं एक अच्छा सा स्वाद आ सकता हूँ, उसमें मैं अपना जीवन व्यतीत कर सकता हूँ, आगे चल के मेरा हो सकता तो मैं अच्छा सा एक स्कूल खोल सकता हूँ, लेकिन सबसे पहले अपने ऊपर काम की व्यवस्था भी मैं हर एक फॉलो को फॉलो कर सकता हूँ। यहाँ पे आने के बाद वो इतना कॉन्फिडेंस से बोल रहे कि मतलब कुछ है, हाँ कुछ कर सकते हैं अपन। हमारा भी पहला दिन था सर, हमने भी पूछा था, तो हमको भी लगा यार, तो हमको भी घुस नहीं सक लगी इसके अंदर। हाँ एक बार जैसे आप क्लास में हो गए आपको लग जाएगा जितना काम किया है वो कुछ नहीं था, और देखो मैंने अच्छा ये सर सुना, ये सर ये सारी चीज आपने फिर सुनी कल? हाँ सर, कल नए बच्चे जो आए थे। नहीं अच्छा, मेरे को यहाँ पे सबसे बढ़िया ये लगा सर कि पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है, स्टूडेंट के सामने मतलब ना पेन कॉपी कुछ नहीं है, ओनली फॉर प्रैक्टिकल है सारे। सर मैं काफी दिन से आपकी वीडियो देख रहा था और मैंने देखा कि यहाँ पर काम बहुत अच्छे से समझा रहे हैं, और मैंने और भी स्टूडेंट का रिव्यू लिया और मैंने यहाँ पर आकर सबसे पहले मैंने और सभी जो स्टूडेंट थे बाकी बैच के उनसे भी आपके बारे में पूछा, तो उन्होंने सबने बोला कि हाँ यहाँ पर बहुत बेस्ट सिखाते हैं। उसके बाद फिर मैं यहाँ पर आने के लिए तैयार भी हो गया और आया और मैंने देखा कि जो मैंने सोचा था उससे मुझे ज्यादा ही मिला। वो तो पहले तो हम लोग मोबाइल का मैकेनिक बोलता था, मैकेनिक जो डिस्प्ले निकालने वाला, वो चार्जर कनेक्टर निकालने वाला, वो मैकेनिक नहीं होता है, जिसका वो अंदर का क्या उसका सप्लाई ट्रेसिंग उसका कंपोनेंट के बारे में पता होना चाहिए, वो जो इधर आके सीखा, जो इधर आके सीखना सीख सकता है। इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन है? Monsoon 1001 and 2008 Certified Institute, Asia Telecom, Advanced Mobile Repairing Institute. Call for admission 9644139972. Download mobile free repairing Android apps. Link in description.
an ISO 9001 and 2008 certified institute. Asia Telecom, Advanced Mobile Repairing Institute. Call for admission 9644139972. Download mobile free repairing Android apps. Link in description. Yeah.